क्या हुआ, कुछ लगा क्या? रुक जाओ, अभी थोड़ा और देखना है। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ। मैं? अरे मैं, इधर उधर ना देखो, मैं ही हूँ। वैसे बोलने के लिए लोग मुझे पेड़, झाड़, ट्री ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं, पर मुद्दे की बात यह है कि आज की फिल्म का हीरो मैं ही हूँ, और आज तो आपको मेरी सुननी पड़ेगी। माफ़ करना, धुआं बहुत होता है ना, थोड़ी खांसी हो गई है, पर चलता है। तो इससे पहले जो आपने देखा, क्यों देखा? वो तो हर रोज देख लेते हो, न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में। अरे फिर भी क्या उखाड़ लेंगे आप? खैर, उखाड़ने वालों ने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया। मेरा एक दोस्त हुआ करता था सामने, कुछ लोगों ने उसे काट के उसके जड़ें ही उखाड़ ली। पर मानना पड़ेगा भाई, मेरा नसीब तो अच्छा निकला। यार मेरे दोस्त की तो बहुत याद आती है, दिन रात बातें किया करते थे, पर अब वो तो चला गया। पर अभी मुझे मौका मिला है मेरे कुछ नए रिश्तेदारों के बारे में बात करने का। ऐसे रिश्तेदार जिन्होंने मुझे तो गोद लिया ही और मुझे काफी नए दोस्त दिए। तो देखिए, इनका भी कुछ जाता नहीं है, पर क्या है ना, दुनिया की थोड़ी फिक्र दिल में लिए बैठे हैं। आते हैं हर हफ्ते हालचाल पूछने और मदद भी कर जाते हैं। होली खेलने के बहाने चूना और गेरू लगा के जाते हैं, और पता भी नहीं चलता कि ये भी मेरी फिक्र करने का एक जरिया था। जून से सितंबर नए दोस्तों से मिलने का मौसम रहता है, और बाकी महीने में पानी टाइम पे मिलते रहता है। वैसे भी आप तो होटलों में जमकर पैसे तो उड़ा ही लेते हो, पर भाई साहब हर 3 महीने में हमें भी तो होटल नसीब होता है, जब मेरे रिश्तेदार मुझे खाद खिलाते हैं। तो बस शुक्रगुजार है इन रिश्तेदारों का, अच्छी खुशियां नसीब हो इन्हें। और हाँ, रिश्तेदारों के बीच में तो कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन तो इनके दिलों में है बस। खून खोल जाता है इनका 5 जून के दिन, अरे एनवायरमेंट डे के नाम पर। पर दुआ करूंगा ये इनके अंदर का कंजर्वेशनिस्ट कभी बाहर भी काम कर ले। इनको ही बहुत कुछ उखाड़ने का शौक है, पर कंजर्वेशनिस्ट को दिल में मत रखो, बाहर भी निकालो तो बेटा तभी तो तुम कुछ उखाड़ लोगे। तो चलो कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो मेरे इन कुछ नए रिश्तेदारों की बातें सुन लो, ये क्या कहना चाहते हैं। So recently I've came here to India from the US, and recently over the past couple of few months during lockdown, I really noticed my lack of presence on the outdoors as I was just sitting home alone doing nothing and being very unproductive, and I felt like I could really contribute to the community by doing something each and every day. So I looked into urban forestation and I found an organization called NELDA a few months back, and since then I've been coming here every Sunday at morning, and we've been planting trees, helping them by giving water and etc. This, I feel like urban forestation is very important for the future, as there's a lot of problems going on like global warming and stuff like that. However, we need to contribute to the society as much as we can, giving them water. Every little bit that you do counts, and we need to spread greenery as much as possible. Urban forestry मध्ये आपण आजकाल काय करत आहोत?
वाढते शहरीकरण वाढते नागरीकरण याच्या नावाखाली आपण सिटीमधले जे ग्रीन हट्स होते सिटीचे ते संपवत चाललो आहेत. मग त्याच्या नावाखाली आपणही काहीतरी केलं पाहिजे, आपणही काहीतरी करून आपल्या पुढच्या पिढीसाठी काहीतरी दिलं पाहिजे, यासाठी आपणही थोडं फार काहीतरी या पृथ्वीनं काहीतरी आपल्याला खूप काही दिलं आहे त्यासाठी आपणही काहीतरी द्यावं. मी स्वतः एक शिक्षक आहे, मी ती सुरुवात माझ्यापासून करेल आणि मी माझ्या विद्यार्थ्यांनाही सांगेल की तुम्ही अर्बन फॉरेस्ट्रीसाठी काहीतरी करा किंवा किमान एक तरी झाड लावा, आणि ते मी माझ्यापासून करतो आहे आणि माझ्या विद्यार्थ्यांपासून करतो आहे. मैं एक ट्री प्लांटेशन संस्था की जिसका नाम है नेरला, उनकी तरफ से ये हिल के ऊपर मैं आता हूँ थोड़े दिन. अभी थोड़े महीने ही हो गए बट मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि इंसान पहले से पेड़ों के साथ जिया है और अभी हम उसका हमको भूल पड़ी है. तो ये यंग ग्रुप के साथ मैं काम करने में बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ और अपने हाथ से थोड़ा काम हो रहा है इसका मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है. हेलो सी, आई एम 55 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव बीन कमिंग टू दिस टेकड़ी सिंस आई वॉज 5 ईयर्स ओल्ड. And initially I used to come with my parents. In those days, you won't believe it, there were only 3 trees on this hill. It was extremely hot and coming here was a very big ordeal. But now after so many years, because of many people and many organizations, NGOs, this hill has become full of trees, flowers, birds, snakes, even small animals. And it has become a very beautiful place. So beautiful that now when I get my children and later on when I'll get my grandchildren, they'll be extremely happy. These are the breathing lungs, you know, of this whole area. All around this tekdi you can see there is development, there is smog, fog, but on this tekdi there is just greenery, beauty. And I think what these people are doing here, planting these trees and taking care of it, it's an excellent thing. To sun li inki baat, maza aaya. पर शायद अभी भी मुझे लगता है अरे क्या ही फर्क पड़ता है पेड़ पौधों की सोचने में, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है. पर जो ऐसा नहीं सोचते मेरे रिश्तेदार, मैंने एक दिन उनसे पूछा, भाई क्यों करते हो मेरे लिए इतना. रिश्तेदार बोलते हैं हम कुछ नहीं करते. बोलते हैं हम कुछ नहीं करते, वो क्या है, आपकी दुई हुई हवा से ली गई हर एक सांस के हम कर्जदार हैं. बोलते हैं आपकी दी हुई हवा से ली गई हर एक सांस के हम कर्जदार हैं, बस उस एक एक सांस का कर्ज लौटा रहे हैं, उस एक एक सांस का कर्ज लौटा रहे हैं.